देवताओं का अंचल कुल्लू। इस यात्रा वृतांत के माध्यम से लेखक ने कुल्लू के भव्य प्राकृतिक सौंदर्य, वहां के लोगों के रहन सहन, धार्मिक आस्थाओं, विश्वासों, रीति रिवाजों, प्रसिद्ध मंदिरों तथा अन्य दर्शनीय स्थानों का वर्णन किया है। कुल्लू का नाम देवताओं का अंचल, वैली ऑफ द गॉड्स इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ असंख्य देवी देवता और विभिन्न ऋषि मुनि यहाँ के आदि निवासियों द्वारा पूजे जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले का अनुभव कर लेता है। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। इसका बड़ा बढ़िया प्रमाण ये मिला कि मानवों की सृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ा। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। उस पर से लारी का जाना काफी खतरनाक है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले, इसका प्रबंध ये किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 4 मील रफ्तार। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर पहरा रहता ताकि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार ना जा सके। 10 बजे के करीब हम लोग औट पहुंचे। यहां से एक सड़क शिमला जाती है। पहले ये मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल भी उबाले जा सकते हैं। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण तथा इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल, वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। ये असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते थे। यहाँ पर दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव होता है जिसमें आसपास के सब देवी देवता रथों में बिठाकर लाए जाते हैं। इस विराट उत्सव में ऐसा सुनने में आता है हजार हजार की संख्या तक देवता शामिल होते हैं। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान हैं, पांडवों के मंदिर हैं, भीम की पत्नी हिडिंबा देवी भी पूजी जाती है और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात ये है कि वहाँ पर मनुरिखी यानी मनु भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में ये एकमात्र स्थान है जहाँ मानवता का ये स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित होकर पूजा जाता है। दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला भी लगता है। साल भर का व्यापार प्राय इस एक दिन में ही हो जाता है। बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देशी
अंग्रेजी दुकानों और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगे लेकर आते हैं। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टियाँ, पश्मीना, चरु और अन्य प्रकार की खाले, रीछ की, मृग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ स्नो लेपर्ड की तरह 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 के जूते, मोजे, सिली सिलाई पोशाकें, टोपियां, बांसुरी, बर्तन पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सींग की कंघियां, देशी और विदेशी कांच, बिल्लोर और पत्थर के मनकों के हार, न जाने क्या क्या चीजें वहां आती है और देखते देखते बिक जाती हैं। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। तमाशे होते हैं, नाच होते हैं, गाना बजाना होता है, जगमग रोशनी होती है। उस दिन कुल्लू में हम लोग 2 घंटे ठहरे, भोजन किया और फिर लारी में बैठकर आगे बढ़े। मनाली देवताओं के अंचल का ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील दूर है। अध बीच में कटराई की बस्ती है। कटराई से चलकर मोटर क्लाथ होती हुई मनाली जा पहुंची। मनाली या मुनाली ने ये नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया, जो यहाँ बहुतायत में होता है। फेजेंट जाति का, हिमालय का ये पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। इसके संबंध में यहाँ के लोगों में कई किंवदंतियां भी सुनने में आती हैं। लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोग मनाली को वहाँ के सेबों के कारण ही जानते हैं। सेब और नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है। मनाली की 2 बस्तियां हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजार वाली बस्ती की, जो दाना कहलाती है, और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की। मोटर दाना तक जाती है। दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौल को चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है, जहां गर्म पानी के कुंड हैं और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यही तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। उनकी पाषाण मूर्ति वहां पूजी भी जाती है। यहां पानी में गंधक की मात्रा काफी है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यहां से कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान है, जहां से व्यास नदी का उद्गम है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। व्यास नदी के वेग से किसी तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं, वो भी देखने की चीज है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है, केवल स्वर सुनाई पड़ता है। इसका कारण ये है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती है। अपने मार्ग के पहले 5 मील में जितना नीचे उतर आती है, वो उतना अगले 50 मील में नहीं और उसके बाद में 500 मील में नहीं। रोहतांग के जोत की दूसरी ओर कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है, वैसा मैंने दूसरा नहीं देखा। उसका ना वर्णन हो सकता है, ना चित्र खींच सकता है। कुछ मीलों के दायरों का एक प्याला सा बना हुआ है, जिसके सब ओर ऊंची ऊंची हिमावृत चोटियां, उसके कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग और प्याले के बीच में फिर बर्फ से छाया हुआ मैदान, मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कटी प्रदेश तो ढक लिया है, लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है।
इस स्थान से तीन नदियों का उद्गम है। ऊपर से व्यास, मध्य से चंद्रा और भागा, जो आगे चलकर मिल जाती है। दाना के दूसरी ओर पहाड़ की ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास बना हुआ ये लकड़ी का चार मंजिला मंदिर दर्शनीय है। इसके द्वारों पर नक्काशी का जो काम है वो कई सौ बरस पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाते हुए मार्ग दो चट्टानों के बीच होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हिडिंबा देवी मनुष्य को भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पर मनुरिखी का छोटा मंदिर है। विशेष सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु का एकमात्र मंदिर होने के कारण ये विशेष महत्व रखता है। मैं मनाली आया तो था स्वास्थ्य लाभ करने, लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा ये थी कि एकांत में रहकर एक बड़ा सा उपन्यास लिख डालूंगा। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तैयार हुआ था और वो मैंने अंग्रेजी में पूरा लिख भी डाला था, लेकिन जेल के चार वर्षों ने मुझे ये भी दिखा दिया था कि उसमें अभी लड़कपन बहुत है। एक बड़े कैनवास पर मैंने एक विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी, और जहाँ तक चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा उतरा था। पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था, भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था, इसलिए चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके मैं उसे फिर हिंदी में लिखना चाहता था। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ, और इस दृष्टि से गंभीर चीज लिखने के लिए एकांत जरूरी था। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जमा था। मनाली अपनी स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। दृष्टि क्षेत्र में सिंखचे ही सिंखचे, देखने की आदि मेरी आंखें इस विराट सौंदर्य को पीती जाती थी और मानो अपने पर विश्वास नहीं कर पाती थी। सिंखचों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया था कि मैं बाहर बिखरी हुई सौंदर्य राशि को देखकर भी भीतर में अपने पुराने बंदी जीवन की स्मृतियां निकालता जाता था। जैसे शाही पोशाक में लिपटकर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई और थिगरों से भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता, लेकिन मनाली ने मानो उन स्मृतियों पर अपनी छाप डाल दी। वे अपने आप में कटु स्मृतियां मानो सुंदरता के एक ढांचे में ढलकर निकलने लगी। अगले दिन प्रातःकाल ही देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक शुद्र मानव ने पाया कि वह भी देवों का समकक्षी हो गया है, सृष्टा हो गया है।